सीपी ठाकुर ने भी विरोध किया। देखिए मैं कहूँगी कि ये मुख्यमंत्री साहब को निर्णय लेना है और जाति मतगणना की बात बहुत पहले से चली आ रही है। क्योंकि देखिए अगर आप हमसे पर्सनल पूछेंगे तो हम सरदार फैमिली से आए और फिर पप्पू जी से मेरी शादी हुई, हम आप ओबीसी कहलाते हैं। लेकिन अगर आप हमको बोलेगा कि किसी रिजर्व सीट में आपको लड़ना है तो हमको नागवार है, हम लड़ लेंगे बिल्कुल जनरल सीट से। लेकिन जो सिचुएशन है बिहार की, उड़ीसा की, उत्तर प्रदेश की, जो खासकर हिंदी भाषी आप देश प्रदेश कहेंगे उनकी, और दलितों की और अति पिछड़ों की, पिछड़ों की, तो जो उनको न्याय मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, वो शायद कहीं ना कहीं कुछ लोगों की साजिश के तहत उनके साथ गलत होता है, जिसके तहत ये बात आ रही है कि जातीय मतगणना होनी चाहिए। अगर नियत में खोट अगर नीतीश बाबू के भी नहीं है और पीएम मोदी के भी नहीं है और वो बार बार ओबीसी की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, तो उनको जातीय मतगणना देख करनी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आज लालू जी ने भी आवाज़ उठाई कि जो जातीय जनगणना, जो मैं सांसद था तो मैंने आवाज़ उठाई थी, सबसे पहली आवाज़ उठाया वो मेरा। देखिए मैं कहूँगी कि इसमें बहुत सारे जो खासकर बिहार के ही, क्योंकि तो बिहार ने उन चीज़ों को बहुत झेला भी है, तो निश्चित तौर से चाहे लालू जी हों, कर्पूरी ठाकुर जी हों, हमारे जितने भी यहाँ के नायक पॉलिटिशियंस हुए हैं, उन सब ने इन बातों को उठाया। और मुझे लगता है कि आगे भी ये लगातार, अगर मुद्दा सिर्फ चुनाव ही नहीं रहेगा और सिर्फ चुनाव को देखते हुए, और आज गठबंधन है तो ये मुद्दा उठ रहा है, कल गठबंधन तोड़ना है तो इसलिए ये मुद्दा उठ रहा है, अगर इस नियत से पॉलिटिशियंस इन मुद्दों के साथ आवाम के साथ खेलते हैं तो ये सिर्फ खेल रहेगा, ना कि किसी को इसका लाभ मिले। अच्छा मैडम, ये सवाल बेहतर होता कि आप मुख्यमंत्री साहब से पूछें, आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे, भाजपा अलायंस से पूछे। केस के बारे में बात नहीं हो रही है उनके, उनकी एक बेल टूटी है जो बेलेबल सेक्शन है, और बेल टूटने में आज लगभग 3.5 महीने होने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से हम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, न्याय पे विश्वास रखते हैं, लेकिन 100% षड्यंत्र के तहत उनको जबरदस्ती रखने का काम किया गया है। और निश्चित तौर से सरकार के मजबूत लोग जो अपने मंत्रालय में फेलियर थे, उन्होंने ये काम करवाया है। निश्चित तौर से आवाम देख रही है, जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं, और बहुत जल्द आप सच्चाई के बादल को घेर सकते हैं, लेकिन बहुत देर तक बादल छिपा के नहीं रख सकते हैं। सूरज को उगना है तो वो उगेगा ही, और लेकिन जो उन्होंने स्थिति पैदा करवाई है और पप्पू जी को जिस तरह से उन्होंने रखा है, वो स्थिति सबके सामने है। पहले कोरोना में सरकार का फेलियर दिखाना, और अब आधे बिहार में बाढ़ है, मुझे लगता है वो चैन की सांस ले रहे हैं, क्योंकि पप्पू जी बाहर नहीं है तो उनका पोल खोलने की शायद, मुझे अनफॉर्चुनेट भी लगता है कि बिहार में ऐसे नेता क्यों नहीं है, विपक्ष क्यों नहीं है, जो ये दिखाए बताए कि भाई क्या स्थिति है। तो यही एक महत्वपूर्ण कारण है कि लोगों के बीच में बार बार उनका फेलियर ना पहुंचे, तो ये एक महत्वपूर्ण कारण और षड्यंत्र है। और जो भ्रष्टाचार और जो चोरियां लगातार सरकार में रहकर इनके अपने ही लोग करते रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनका पोल ना खुले और वो सरेआम भ्रष्टाचार और चोरियां करते रहे। बोलेंगे कि कुछ दिन के बाद आपको शायद पता चले कि आपको भी बेच दिया गया है और आपको मालूम ही नहीं है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, हम लोगों ने उनको कुर्सी में बिठाया है और अपना नेतृत्व करने के लिए दिया है। प्रधानमंत्री का मतलब होता है कि आप अपने घर को संभाल रहे हैं, अब घर को, आप अपने घर को आप चाह लें कि भैया हमको किराए पे दे देना है, अपना घर बहुत हो गया अपना, अब हम किराए पे चढ़ाते हैं, हमारे बाल बच्चे भी किराए पे चढ़ गए और हम 2 लाख रुपए लेके खुश हैं। तो आज देश के हालात ये हैं कि ट्रेन से लेके, एयरपोर्ट से लेके, सड़कों से लेकर बड़ी बड़ी जो हमारी पुरानी पुरातत्व बिल्डिंग है
उनको तक किराए पे चढ़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम उसको 6-6 साल की लीज पे दे रहा है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा शर्मसार बात इस देश के लिए नहीं हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ शर्मसार करने वाली बात ही नहीं है, इसमें कुछ पूंजीपति जो बार बार राहुल गांधी जी कह रहे हैं, कुछ पूंजीपतियों की प्लानिंग को अमली जामा ये भाजपा सरकार और मोदी शाह पहना रहे। अजय मैम देखिए, जो मौसम विभाग हो और मौसम के तहत अपनी नैया पार करते हो उनके बारे में आप क्या हमसे पूछेंगे। हमारे बुजुर्ग है पासवान जी की हम इज्जत करते हैं, भारत जी की इज्जत करते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। और मैं कहूँगी कि वो आप उनकी बातों को कितनी तवज्जो दे रहे हैं ये महत्वपूर्ण। नहीं, चाचा भतीजा की लड़ाई भी बिहार में तो साफ नज़र आ रही है, जिस तरह से एक दूसरे पे वार पे वार हो रहे हैं और पीछे से कोई चाल चल रहे हैं। इस पे हमारा बिहार समझदार है और हमसे किसी की भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है। चिराग जी यंग जनरेशन को लेकर आए हैं और यंग पॉलिटिशियन है और यंग पॉलिटिशियंस को आना चाहिए। हम दोनों को देखिए, ये राजनीति का फील्ड है और राजनीति के फील्ड में दाम शान धन भेद सब चलते हैं और राजनीति का ही ऐसा फील्ड है कि अभी चिराग साहब तो नए नए एक्सपीरियंस हो रहे हैं, उनको ऐसे एक्सपीरियंस और होंगे। क्योंकि ये सच है कि राजनीति में जब तक आपसे लाभ दिखता है तो लोग आपके साथ हैं और ये जो सच्चाई पुरानी चली आ रही है कि इस राजनीति में ना बेटा बाप का हुआ है ना बाप बेटा का हुआ है, तो ये तो चाचा भतीजा। अरे आखिरी सवाल मेरा है, ये इसमें ना नीतीश बाबू की गलती है, ना मोदी साहब की गलती है, ना सत्ता पे बैठे हुए लोगों की गलती है। मैं कहूँगी सबसे बड़ी गलती बिहार की आवाम की है। आप हमेशा ऐसे मुर्दों को गद्दी पर क्यों बैठाते हैं जो बाढ़ को मलाई का साधन समझते हैं। चूँकि मैं कोशी से आती हूँ, मैंने सुपौल में उस विभीषिका को देखा है, कुसा का जब बांध 2008 में टूटा वो देखा है, जब 2016 में टूटा तब देखा है, और मंत्री संतरी प्रशासनिक पदाधिकारी मज़े ले रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं और उनको लग रहा होता है कि अब लोग मरेंगे, अब लोग घर से भाग कर पेड़ों में और बांध में जा के शरण लेंगे और हम उनको 25 किलो अनाज देके फिर वाह वाही लूटेंगे। तो इसमें गलती किसकी है? आखिर क्यों नहीं जनता उन लोगों को भगाने का काम करती है, वहाँ से हटाने का काम करती है और उनको क्यों नहीं कहती है कि हम भीख मंगे नहीं हैं, हमें 25 किलो अनाज नहीं चाहिए। उसका परमानेंट सोल्यूशन है, उसका स्थायी निदान है, लेकिन हर साल ये खाने पकाने का रास्ता है और एक बहुत मोटा अहम रास्ता है, जिसके कारण अभी भी जो आपने रिसेंट सुना होगा कुसा में ही, हमारे सुपौल में ही जो कुनैली के पास है बांध बोला टूटने वाला है और रात में लोगों ने नहीं प्रशासन और मंत्रियों ने मिलकर तोड़ा और उसके बाद आनंद फानन में आप इस बात को जानिए और मीडिया के माध्यम से इस बात को लोगों तक जरूर पहुंचाए कीजिए कि जब भी बाढ़ आपदा से रिलेटेड कोई भी काम होता है, बांध को बांधने का काम होता है, रिलीफ का काम होता है, आप देखते होंगे कि पकोपाइन पाइप डाल रहे हैं, तो ये विदाउट ऑडिट होता है। आपके जिला में पैसा आया है अंत्योदय का, अन्नपूर्णा का, वृद्धा पेंशन का, सपोज कीजिए कि 50 करोड़ आया है बांटने के लिए, इमीडिएट अगर बांध टूट गया तो विदाउट ऑडिट उसमें से 25 करोड़ निकाल के 2 दिन में बांटने के लिए दे दिए जाते हैं। तो ये खेला हम लोगों ने बहुत देखा है और ये बिना ऑडिट के बांध तोड़ा ही इसलिए जाता है कि चलो साल हो गया, फलां को 50 लाख कमाना है, फलां को 5 करोड़ कमाना है और मंत्री को पहुंचाना है, बांध टूटा है केवटी में, बड़ी वाली कुर्सी को भी पहुंचाना है, ये खेला होता ही। मैम दरभंगा